देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है उसका कारण, उसकी नींव संविधान है। पिछड़ा वर्ग का अगर कोई घोर विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं, नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को अगर किसी ने रोक कर रखा तो कांग्रेस पार्टी ने रोक कर रखा। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसी ने रोका तो कांग्रेस पार्टी। जो लोग 400 पार कह रहे थे आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। अरे लालू जी भी पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे। मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते देश में एससी एसटी के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का ये मतलब सबसे ज्यादा एसटी एमपी बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी बीजेपी के हैं। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। और इसलिए उनको लगता है अब एससी एसटी ओबीसी तो बीजेपी का हो गया और अब माइनॉरिटी के ऊपर भरोसा करने के लिए एससी एसटी ओबीसी का लूटो, माइनॉरिटी को दे दो। 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं, ये सच्चाई है देश की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।